असम में 30 जुलाई यानी सोमवार की सुबह 10 बजे एनआरसी का दूसरा ड्राफ्ट जारी कर दिया गया। इस मौके पर रजिस्ट्रार जनरल ने कहा कि ये ड्राफ्ट है और इसे अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है। जिन लोगों के नाम इस लिस्ट में शामिल नहीं हुए हैं, उन्हें क्लेम करने और आपत्ति दर्ज करने का मौका मिलेगा। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरी तैयारी हो चुकी है और आम नागरिकों को किसी भी तरह की अफवाह से डरने की कोई जरूरत नहीं है। रजिस्ट्रार जनरल ने ड्राफ्ट जारी करते हुए कहा, मैं बार बार जोर देकर स्पष्ट करना चाहूंगा कि ये लिस्ट फाइनल नहीं है और क्लेम और आपत्तियां दर्ज की जाएंगी। जिनका नाम इस लिस्ट में नहीं आया है, उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। भारत के किसी भी वैध नागरिक के साथ कोई अन्याय नहीं होगा। ड्राफ्ट जारी करते हुए कहा गया कि ऐसे लोग जिनकी जागरूकता कम है और जिन्हें मदद की जरूरत है, उन्हें कैंपेन के जरिए मदद की जाएगी। एनआरसी कोऑर्डिनेटर ने कहा, केंद्रीय गृह मंत्री ने स्पष्ट किया है कि इस ड्राफ्ट में लिस्ट के आधार पर अभी किसी माइग्रेंट या जिनके नाम नहीं है, उन्हें डिटेंशन सेंटर नहीं भेजा जाएगा। अभी लोगों के पास फिर से आवेदन का मौका है। नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन के बाद कितने लोगों के बेघर होने की उम्मीद है, इस सवाल पर रजिस्ट्रार जनरल ने कहा, हमारे पास 2011 की जनगणना के आंकड़े हैं। अभी ड्राफ्ट की पहली ही लिस्ट जारी की गई है और ये आखिरी लिस्ट नहीं है। इस आधार पर हम कोई भी आंकड़े आधिकारिक तौर पर जारी नहीं कर सकते। अगर आप इसी तरह के और वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल।